ये हम लोग निशान लगा रहे हैं, ये हम इंच टेप से नहीं लगाएंगे, ये करीब 10 इंच के आसपास होगा, हमने अभी नापा नहीं है, ये 10 इंच ही है, 11.5 इंच, और ऐसे में है ये अपना 4 फुट हमने लगा रखा है, आधा इंच 4 फुट में कम है, और इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ 2 सूट या यहाँ से गैप रख लेंगे और ये ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने रख रखा है, ये हमारा दरवाजे का है जो हम दरवाजा लगाएंगे, ये इस तरह लगेगा बिल्कुल बराबर करके, हम यहाँ से बराबर करके और यहाँ सटा लेंगे, और ये एरिया जो है ये हमने दरवाजे के लिए रख रखा है और इसमें चिपका लेंगे, ये सटा रहेगा और यहाँ सटा रहेगा और ये अपना निशान लग जाएगा। इसको 16 mm या 17 mm फीट से होल मार देंगे, ये हमने 3 भाग में बराबर बराबर बांट रखा है, उसी हिसाब से आप लोग भी बांट लेना, बहुत इजी है, ये अभी नया नया चल रहा है, ये इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं, ये 4.5 इंची करीब लगता है, प्रोसेस है वो यही है, और बता भी देता हूँ इस तरह से हम जैसे काम करते हैं उस तरह से बता रहा हूँ, तो इसमें गोल मार लेंगे पहले ही, ये हो गया, और ये 4.5 इंच पे रखा हुआ हमने, ये है 20.5 पे और ये है 36.5 इंच पे, और सामने सामने रख रखा है 3 इंची 3 इंची, आप अपने पल्ले के हिसाब से रखें, ये हमने अपने दरवाजे के हिसाब से रख रखा है, हमारा दरवाजा जितना मोटा है उसी हिसाब से हमने इसको रख रखा है, ये 3 इंची है, ये हमारा 3 है दरवाजे के हिसाब से मैं रखा हुआ, ये हो गया रेडी, ये हमारी साइड है दोनों, और जैसे रेडी होगा मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। आज हम लोग बना रहे हैं सुलेख और इसकी फिटिंग मैं करने जा रहा हूँ, और चाहता हूँ आप लोग भी देखें, और ये आजकल ये बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, और ये अभी जब ये रेडी हो जाएगा जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे वैसे दिखाऊंगा, आप लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत इजीली तैयार हो जाता है।
और आप लोग भी आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके सब कुछ हम लोग तैयार कर रखे हैं, बस इसको टाइट करना है। ये रेट रखा है 34-2 है, ये 870 mm है, ये बाहर 870 mm है, और ऐसे 34.25 inch है, और ये हमने रख रखा है, इसलिए हमने तैयार कर रखा है। इसको हम लोग रेडी करते हैं, बहुत इजीली से तैयार हो जाते हैं इसी तरीके से। ये सुराख हमने पहले मार लिए थे, इसमें सिंगल सिंगल सुराख आता है, ये हमने डबल लगाए थे। हल्का हल्का लो, ये हमने पहले रेडी कर रखा सारा, बस इसमें कसने बाकी रह रहे, और इसमें सुराख नहीं आता है, इसमें सिंगल सुराख रहता है, ये रहता है, और इसमें खाली ऊपर रहता है, ये 3 सुराख ये हमने खुद मार रखे हैं, ये सुराख हमने खुद लगाए हैं, और ये भी हमने खुद लगाए हैं, और इसमें भी हमने ये लगा रखे हैं सुराख। क्या कर लेंगे, ये फिटिंग है जो साथ में आती है, ये हमने पहले खोल लिया था, और वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा आप लोग देख लेना। ये इस तरह से है, ये लगेगा, ये हमारा पूरी तरह से रेडी है, और इसका हम लोग लगा देते हैं, लोग ये भी कस लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। ये हमारा पूरी तरह से रेडी है, ये देखिए, आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। ये 3 लेयर का है सुरेख, इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है, और उसको भी हमने तैयार कर लिया है, तो वहाँ पे पड़ा है, और हम लगाएंगे इसका लगाने। ये इधर हमने लगा लिया, इस साइड ये इसका रुख है, मैं इतना ही खुलेगा, और इस साइड ये जब लगाएं
तो इसमें बिल्कुल ऐसे चिपका लें, ऐसे ऐसे चिपका लें, इस तरह से चिपका लेंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ओके। और ये हमारा पूरी तरह से रेडी है और आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए ये 3 लेयर का है, इस तरह से है, ये देखिए बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया सामान आ जाता है। ये हमारा सूप तैयार हो गया है और अभी बना सकते हैं, ये पूरी तरह से रेडी है, इसमें जूते रख जा सकते हैं। इस तरह से बनाया हम लोगों ने, ये 3 लेयर का है, ये इस तरह से है, इस तरह से है। और इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है।